क्या ईयरफोन्स लगा के, हेडफोन्स लगा के या अपने कान बंद कर करके रियाज करना सही है? क्या ये टेक्निक जो स्टेज पर आप देखते हैं सिंगर्स इस्तेमाल करते हैं, इन ईयर्स, वो अपने कान बंद करते हैं यानी कान में ईयरफोन्स होते हैं और फिर वो गा रहे होते हैं, क्या यह तरीका सही है? और क्या इस तरीके में कुछ बात है जो हम सीख सकते हैं या इस तरीके को कैसे मास्टर किया जाए? इस पर मैं आज पूरा एक चर्चा करने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा और आप समझ पाएंगे कि ईयरफोन्स लगा के रियाज करना एक क्या टेक्निक होती है और क्यों लोग करते भी हैं ऐसा अक्सर कि अपने कान बंद करके फिर वो गायकी करते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है, है ना? आज उस पर हम चर्चा करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। संगीत का संपूर्ण सिलेबस बारीकी से लेकर एकदम एडवांस तक सब कुछ अवेलेबल है संगीत धारा SPW ऐप पर। अभी डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉयड, iOS और डेस्कटॉप तीनों पर अवेलेबल है। वीडियो कॉल के थ्रू सीखिए संगीत। स्टेजेस पे आपने अक्सर देखा होगा लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं कि वहाँ पर किस तरह से जो कलाकार है, वोकलिस्ट है या कोई भी अकंपनिस्ट है, परक्यूशनिस्ट है, कुछ भी है, कोई भी कलाकार स्टेज पर है और लाइव प्रोग्राम दे रहा है, तो आपने अक्सर देखा होगा उनके कान में कुछ होता है, ऑलरेडी एक ईयरफोन होता है और वो अक्सर तो एक ही कान में होता है, दोनों में भी नहीं होता है। तो आप वंडर करते होंगे, यार ये क्या है, स्टेज पर ये लोग तो परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या ये गाने सुन रहे हैं बैठ के या क्या कर रहे हैं, ये ईयरफोन इनके कान में किस काम का है? बट एक्चुअली में उन्हें इन ईयर्स कहते हैं। इन ईयर्स यानी वो एक ऐसे माइक्रो ईयरफोन्स होते हैं जो आपको बाकी आर्टिस्ट से कनेक्ट करते हैं, यानी उसको आपने जिस भी रिकॉर्डिंग मशीन जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कनेक्ट किया जाता है, ताकि जो भी तबले का साउंड आए, अब वो तबले वाला आपके बगल में नहीं बैठा है कि आपको तबला क्लियरली सुनाई देगा, या जो कीबोर्ड वाला या जो हारमोनियम वाला है वो आपके बगल में नहीं बैठा है, तो वो बहुत दूर दूर होते हैं और प्लस वो इतने सारे होते हैं, है ना, इतनी सारी चीज़ें एक साथ बज रही होती है और प्लस इतना शोर होता है, शोरगुल होता है, ऑडियंस होती है, तो इतने साउंड में आपको उनका साउंड और अपना साउंड बारीकी से सुनाई नहीं दे पाता है। आपके सुर, आपके कौन सी लाइन गवरी है, कौन सा म्यूजिक कहाँ बज रहा है, वो बारीकी से सुनाई नहीं दे पाता है। इसीलिए आपको डायरेक्ट मॉनिटर्स मिलते हैं। मॉनिटर्स आपने देखा होगा, स्टेज मॉनिटर्स होते हैं, यानी स्टेज के आगे भी जो एकदम एज है उस पर स्पीकर्स लगे होते हैं, ताकि आपको वो जो सारा साउंड है वो सुनाई देता रहे, आपको बैक आपको तक आता रहे, ताकि आप पता चल सके कौन सी चीज़ कहाँ गवरी है और कैसे गवरी है, तो आप उस अकॉर्डिंगली अपना परफॉर्मेंस जो है वो गा सकें। इसके लिए अब वो या तो वो अगर वो नहीं होते हैं या फिर उससे भी बारीक काम होता है, एक एक ईयर पीस आपको दे दिया जाता है कि तबले वाला जो भी बजाएगा, कहीं भी बैठ के बजाएगा, अगर उसमें माइक्रोफोन लगा हुआ है तो वो माइक्रोफोन के थ्रू वो मशीन में जाएगा साउंड, और उस मशीन से क्योंकि आपके ईयरफोन्स कनेक्टेड हैं तो वो आपके कान तक आ जाएगा। तो ये एक टेक्निक होती है। आपने देखा होगा कई लोग हेडफोन्स लगा के भी गाते हैं, तो वो हेडफोन्स भी इसीलिए लगाते हैं ताकि उन्हें उनकी आवाज़ आती रहे। और स्टूडियो रिकॉर्डिंग में आपने देखा है कि हेडफोन्स लगाए जाते हैं मगर एक कान तब भी खुला रखा जाता है अक्सर, है ना, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गा रहे हो तो एक कान खुला रखो और एक कान में ही अपना हेडफोन लगाओ या ईयरफोन लगाओ, ताकि जो भी गाने का ट्रैक है, मेट्रोनोम है, म्यूजिक है या जो भी पीस है, वो आपको एक कान में आता रहे और उस अकॉर्डिंगली आप गाते रहो, लेकिन एक कान खुला रख के आप अपनी आवाज़, अपना सुर सुनते रहो। आपने कई लोगों को देखा होगा कि अब जाहिर है मजबूरी है कि भाई किसी ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं कर सकते, तो हम तानपुरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, इतने सारे भीड़ है और हमको वहाँ पे भी करना है रियाज, तो हम क्या करते हैं अक्सर अपने फ़ोन में ही ईयरफोन्स लगा के और तानपुरा यहाँ ले लेते हैं और दोनों कानों में बंद करके बस रियाज कर रहे हैं, साल लगा रहे हैं। ये तकनीक मैं कहूँगा किसी हद तक सही नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, मैंने पहले भी कहा है कि जब सुर को लगाना होता है तो सुर को सुनने की भी ज़रूरत रहती है, तानपुरा हो या हारमोनियम हो, जाहिर है जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उसको जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना लाउड वॉल्यूम पे सुनेंगे, उतने आप बेसुरे होंगे, है ना, क्योंकि आपको अपना सुर कम सुनाई दे रहा है और उसका ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो आपको आभास ऐसा होने लगता है कि हाँ मैच कर रहा है। इसीलिए मैंने पहले भी बोला कि हारमोनियम के साथ रियाज करने में एक ये नुकसान भी है, और अगर उसे लाउड आप बजाते हैं तो ये नुकसान है कि वो जितना लाउड बजेगा हमें लगता है, ऐसा आभास होता है, इल्यूजन होता है कि हमारा साउंड मैच कर रहा है, क्योंकि वो बारीक जो डिटेल है वो हमको सुनाई नहीं दे रही ना, तो हमें मालूम ही नहीं चल रहा है कि एकाध श्रुति ऊपर नीचे है या हमारा सुर उतरा है या चढ़ा हुआ है कि नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि तानपुरा सुनिए, रेगुलर सुनिए गाते समय, लेकिन कम वॉल्यूम पे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम हो जाएगा तो भी आप बेसुर हो जाएंगे, सीधी बात है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा, आपका पिच उतर जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ जब कान में ईयरफोन लगाकर तानपुरा सुना जाता है तो यही होता है, क्योंकि वो इतना लाउड बज रहा होता है कि हमें लगता है कि हमारा सुर उसके साथ लग रहा है, मैच कर रहा है, पर ऐसा हो नहीं रहा है, है ना। इसीलिए ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और अगर मजबूरन करना भी पड़े तो जाहिर है कि एक कान आप एटलीस्ट खुला रखिए, जिससे कि आपको अपनी वॉइस डायरेक्ट सुनाई दे, है ना, और उस दूसरे कान में तानपुरे का वॉल्यूम कम रखिए। अब कुछ कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, कुछ कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे अपना सुर अपने को डायरेक्ट ना सुनाई दे, तो हम करते हैं जैसे सा लगाते हैं, अब मैंने सा लगाया सा, तो अब मुझे अगर मेरा एग्जैक्ट साउंड सुनना है तो मैं क्या करूँगा,
अक्सर आपने देखा होगा एक कान बंद कर लेते हैं लोग, क्योंकि कान बंद करते हैं तो आपको अपने इंटरनल आपको साउंड सुनाई देता है यूं सा। आप करके देखिए, कान बंद करेंगे तो आपको इंटरनली आपकी हमिंग जो है, वाइब्रेशंस जो है वो महसूस होंगी। तो अक्सर लोग ये भी करते हैं, कई लोग ये करते हैं कि ये कान पे यहाँ पे ऐसे हाथ लगा लेते हैं मुंह पे, ऐसे मुंह पे हाथ लगाने से क्या हुआ, ऐसा हाथ बनाया तो साउंड आपका यहाँ टकरा के डायरेक्ट कान में जाता है। ऐसे आप करके देखिए, जब आप ऐसे बोलेंगे तो आपको अपना आवाज़ जो है ज़्यादा स्पष्ट सुनाई देगी। और इसके लिए भी एक और टेक्निक है, इसको भी इन्हेंस करने के लिए, ये वाला हाथ कान को कवर कर देते हैं, बंद नहीं करते, कवर करते हैं ये इस तरह से। तो ये सा, इससे क्या हुआ, एक पाथ बन गया, आप देख रहे हैं पाथ बन गया, डायरेक्ट साउंड हमारे कान में जा रहा है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट सुर को सुनने के लिए, कि कहीं सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, या ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कुछ कुछ तकनीकें हैं जो इस्तेमाल में की जाती हैं। अब इन ईयर्स का मैंने आपको बताई दिया है कि उनका इस्तेमाल क्यों होता है, हेडफोन्स लगा के रियाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया, हारमोनियम कम सुनना चाहिए, तानपुरा कम सुनना चाहिए, ये सारी भी कुछ कुछ ये सारी टेक्निक्स हैं कि आप इसका, अब इसका रियाज भी करना होता है। जाहिर है कि अगर आपको स्टेज पे गाना है तो कई लोग अनकंफर्टेबल भी होते हैं इन ईयर्स या हेडफोन्स लगा के गाने में। क्यों? एक नुकसान होता है हेडफोन्स लगा के गाने में, एक और नुकसान है कि आप अपनी आवाज़ जो है, क्योंकि इतनी क्लियर सुनाई दे रही होती है तो ऑटोमेटिकली आप हल्की कर लेते हैं। इसीलिए भी मना किया जाता है कि जब रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं तो दोनों कान मत बंद कीजिए, क्योंकि दोनों कानों में तो आपको इनहेंस्ड साउंड आ रहा है ना, माइक्रोफोन के थ्रू आ रहा है, उसमें साउंड गेन बढ़ा हुआ है, प्लगइन्स लगी हुई हैं, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, वो सब आ रहा है, तो आपको इनहेंस्ड साउंड आ रहा है अपना ऑलरेडी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपको लगता है कि मैं हल्का ही गाऊँ, है ना। तो इससे आपका पंच कम हो जाता है, वॉइस पंच और वॉल्यूम उसमें फ़र्क है, है ना। आप बहुत हल्का गाते हैं, है ना, पंच आपका कम हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम भली, वॉल्यूम तो इन्हेंस हो जाएगी माइक्रोफोन से, पंच कहाँ से लाओगे। इसलिए वजन जो है, जो दम खम है गायकी में या वादन में, वो प्राथमिकता है, वो आनी चाहिए, उसके बाद इन्हेंस तो हो जाएगी। इन्हेंस करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, है ना, सुशोभित करने के लिए शोभा होनी ज़रूरी है, वही वाली बात है, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि ऐसा क्यों करते हैं अक्सर लोग, इसको एक तरह से टेक्निक मानते हैं अपना साउंड ऑल्सो लाउड करने के लिए। ये भी कई लोग करते हैं कि हेडफोन लगा के या ईयरफोन लगा के या कान बंद करके वो लोग गाते हैं, है ना। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर मेरी आवाज़ में लाउडनेस नहीं है, दम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी गाना लूँगा जो भी मुझे गाना है, और दोनों कान में ईयरफोन लगा के छत पे या कहीं भी ओपन में मैं उस गाने के साथ साथ गाऊंगा। अब उसमें क्या हो रहा है, उस गाने की आवाज़ तो आपको आ रही है लेकिन आपकी आवाज़ आपको नहीं आ रही है, तो आप ज़बरदस्ती लाउड लाउड गाने लगते हैं, इतना लाउड कि आपको अपनी आवाज़ बैक आती रहे। तो ये भी एक तकनीक है लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि आवाज़ लाउड हो जाए, पर मेरे ख्याल से ये बेहतर नहीं है, क्योंकि उसमें आवाज़ लाउड हो जाएगी, सुर में नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि आपको सुर तो सुनाई दे ही नहीं रहा है, तो आप कितना भी लाउड गाओ तो आप सुरीला थोड़ी गा रहे होगे, है ना। तो ये तकनीक ठीक नहीं है। कई लोग ऐसा भी करते हैं, जैसे नहीं करते हैं कि भाई मटके में मुंह दे के रियाज करते हैं, है ना, ये भी कुछ पुरानी तकनीकें हैं। उससे क्या होता है, आवाज़ रिवर्ब में सुनाई देती है तो बहुत लाउड लाइड, और वैसे कवर हो जाता है, एकदम पैक हो जाता है, तो सिर्फ आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन लोग ये बेवकूफ़ी कर देते हैं कि उसमें धूल भी होती है, धूल मिट्टी नाक में भी जाती है, तो ऐसी फजूल हरकतें ना करें, है ना। जो लोग ये रियाज करते हैं आवाज़ लाउड करने के लिए, चार उंगली ऐसे मुँह में आ करके फंसा के डालें, तो अनकम्फर्टेबल होकर तो सुर वैसे भी ठीक नहीं निकलता है, तो ये भी तरीके गलत हैं। कोई कहता है कि तीली फंसा लो मुंह में या आलू फंसा लो मुंह में ताकि मुंह ऑटोमेटिकली खुला रहेगा। अरे ये क्या बोलते हैं इसको, वॉलंटियर मसल है, आप चाहें तो इसको जितना चाहें उतना खोल सकते हैं, इसको ज़बरदस्ती इसके साथ करने की ज़रूरत नहीं है। ये दिल की धड़कन नहीं जिसे आपको कंट्रोल नहीं किया जा सके, है ना, वो इनवॉलंटरी, वो अपने आप धड़कता है दिल, लेकिन ये मुँह है, ये वॉलंटरी मसल है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना भाई, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, तो इसमें ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं ईयरफोन को कान में लगा के गाने के लिए, इन ईयर्स के बारे में, और अपनी आवाज़ लाउड करने के लिए लोग क्यों ईयरफोन्स का इस्तेमाल करते हैं और क्या नहीं। तो इस पर पूरी एक चर्चा थी, है ना, ऐसे ही कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स मैं लाता रहूंगा। एक छोटी सी चर्चा थी जिससे आई गेस आपको कुछ कुछ जानने को मिली होंगी चीज़ें, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जिन पर मैंने वहाँ चर्चा की हुई है, बातें की हुई है। हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, संगीत धारा उसका नाम है, ऐड आपने उसका स्टार्टिंग में देखा ही था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें।